क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है 12.3 एक्सरसाइज का। देखिए सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन एंड फाइंड दी वैल्यू व्हेन ए की पावर दी गई है, यानी ए की वैल्यू 5 है और बी का दिया गया है -3। तो यहाँ हमारा कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, जहाँ ए मिलेगा वहाँ पे 5 रखेंगे और जहाँ बी मिलेगा -3। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। लिखिए गिवन, गिवन में क्या था, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो 2 से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है 2 से ए बी में करेंगे 2 ए बी, जो बचा उसको लिख लीजिए 3 माइनस ए बी। ठीक है, चलिए इसके बाद लाइक टर्म वाले को एक साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 ए स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा माइनस का ए बी, कैसे देखिए प्लस 2 ए बी बचा क्या माइनस का ए बी, उसके बाद प्लस का 3। तो देखिए 2 ए स्क्वायर और यहाँ देखिए ए बी और ये क्या है माइनस का ए बी, यानी 2 ए बी में से ए बी माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा ओनली ए बी, साइन किसकी बड़ी है प्लस वाले की, बचा क्या हमारे पास प्लस का 3, इसमें से माइनस हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहां लिखिए पुटिंग वैल्यू कीजिए, यहां पे पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू में क्या मिला था ए की वैल्यू 5 मिला और बी की वैल्यू क्या मिला था माइनस का 3। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, 2 है 2 कीजिए, ए की पावर क्या मिला हमें ए की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 का क्या कीजिए स्क्वायर, प्लस है प्लस ए, ए की वैल्यू क्या मिला 5, बी बी की वैल्यू क्या मिला माइनस का 3, प्लस है प्लस कीजिए प्लस और ये क्या मिला हमें 3। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए 2 5 का स्क्वायर क्या होंगे 25, यानी इनटू 25, 5 5 25। अब देखिए प्लस है माइनस, प्लस माइनस क्या मिला हमें माइनस, 5 3 15 प्लस का 3। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, देखिए 2 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 50, राइट, यहां देखिए माइनस का 15 प्लस का 3। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, देखिए 15 में से 3 को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस का 12, माइनस कीजिए 15 में से 12 को क्या मिला, देखिए 0 है और यहाँ 2 है, कैरी लेंगे यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।